हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, आइए समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे बनाएंगे, कुल मिला के ये समझना है हमें। तो इंसर्ट पे चलना है और यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। तो ये मान लीजिए तीन रो तीन कॉलम वाला टेबल मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अब समस्या इसके फॉर्मेटिंग में है, तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इस पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कलर में, जैसे यहाँ पर बॉर्डर पे आता हूँ और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके बॉर्डर पर रेड कलर अप्लाई हो गया है। यहां से आप चाहेंगे तो आप इसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर जाइए और फिर ऑल बॉर्डर पे आप चले जाएंगे तो देखिए इसकी विड्थ जो है बढ़ जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी, जो बॉर्डर की आउटलाइन है उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसकी मोटाई बढ़ चुकी है। अब हम चाहते हैं कलर चेंज करना, तो कलर चेंज करने के लिए यहां पर आ जाइए और जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर चूज करके और यहां पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कलर हट चुका है। लेकिन ये कलर हट जाता है लगेगा कैसे, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेन कलर का, तो इस पेन कलर पे आप क्लिक करके और तब यहां पर क्लिक कीजिएगा और तब आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाता है। आपको यहां से नहीं करना है, आपको पेन कलर ही चूज करना है। तो ये पेन कलर चूज कर लीजिए, फिर यहां पर आइए, ये कलर अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते ही ये कलर अप्लाई हो जाएगा, तो जो कलर आपने लिया था वो कलर अप्लाई हो गया। फिर यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ये वाला कलर ले लेते हैं, तो अभी ये कलर अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ से फिर चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक कर दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते ही कलर ब्लैक हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करते हैं। अब विड्थ बढ़ानी है, मोटाई बढ़ानी है इसकी, तो यहाँ पर कर्सर को रखिए और यहाँ से ड्रैग करवा दीजिए इसको, तो ये देखेंगे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चौड़ाई बढ़ जाएगी। अगर आप इसकी साइज को यहां से बढ़ाना चाहते हैं तो ये यहां पर जाकर के और आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक कर्सर मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, यहां पर ये इस तरह का जब पॉइंटर आ जाए तो आप इसको यहां से इधर उधर खिसका दीजिए तो ये चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है। अगर पूरे टेबल को ही बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना होगा, यहां पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर लेआउट टैब में आ जाइए। लेआउट टैब में जब आएंगे तो यहां हाइट दिया हुआ है, यहां विड्थ दी हुई है, तो अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से बढ़ा लीजिए। ठीक है, देखेंगे कि विड्थ बढ़ जाएगी इसकी, ये देखिए ये विड्थ बढ़ रही है, तो पूरे टेबल की विड्थ बढ़ रही है। और यहां पर हाइट पे जब जाएंगे तो यहां पर हाइट बढ़ेगी, तो पूरे टेबल की हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइट, विड्थ और कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का भी और अंदर का कलर चेंज करने की बात करें तो अंदर का कलर भी चेंज कर पाएंगे। आप कैसे चेंज करेंगे, देखिए इस पार्ट को सिलेक्शन में ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं हूं, यहां पर आ गया, अब यहाँ पे होम टैब पे चलते हैं, ये होम टैब पे आ गए और अब हम क्या चाहते हैं कि शेप जो है अंदर का ये फेल हो जाए किसी पर्टिकुलर कलर में, तो ये देखिए यहां पर क्लिक रखा था हमने तो ये वाला सेक्शन जो है रेड कलर में हो गया। अब यहां पर क्लिक करता हूं और शेप फेल पे जाएंगे, ये वाला कलर हम येलो कलर कर देते हैं कुछ इस तरीके से, यहां पर क्लिक करता हूं तो ये वाला कलर हम किसी और कलर में कर देते हैं, लाइक ये कलर कर देता हूं मैं। तो इस तरीके से आप अंदर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।